नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जैविक वाटिका में। और आज का वीडियो फर्टिलाइज़र के ऊपर है। अभी सर्दियों के मौसम में कौन सा फर्टिलाइज़र ऐसा रहता है जो बहुत अच्छा हो और वातावरण के अनुकूल हो और उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा हो, तो आज फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे हम। ये देखिए, ये आप देख भी रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख भी रहे होंगे। इसको सरसों की खली बोलते हैं, मस्टर्ड केक भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और जैविक फर्टिलाइज़र है। केमिकल फर्टिलाइज़र के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं और आजकल हम प्रीफर भी नहीं करते अपने टेरेस गार्डन में केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना। तो ये एक जैविक फर्टिलाइज़र है और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा भी है। दूसरा, ये थोड़ा सा गर्म रहता है, तो जैसे सर्दियों का मौसम है उसमें इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा रहता है। ये जो तापमान है वो मेंटेन करके रखता है पौधों का और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देता है। तो इसकी जानकारी पूरी मिलेगी इस वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको आनंद ज़रूर आएगा, आपका दिल बाग बगीचा ज़रूर होएगा। तो ये मस्टर्ड केक है, जैसे मैंने आपको बताया, सरसों की खली। आसानी से कोई भी खाद बीज की दुकान आपके आसपास पड़ोस में होती है उसमें मिल जाती है, या फिर कोई परचून की दुकान जहाँ पर डेली नीड्स का सामान मिलता है वहाँ पर भी ये मिल जाती है। और जो दाम है इसके वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कॉस्टली नहीं होती है, ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर आपके आसपास मार्केट में ये नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं, अमेजोन से बाई कर सकते हैं। लिंक मेरे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाके बाई कर सकते हैं। इसको कैसे फर्टिलाइज़र इसका बनाया जाएगा उसका प्रोसेस पूरा आज इस वीडियो में बताएंगे। ये इधर आप देख भी रहे होंगे, ये मैंने इसको अच्छी तरह से पानी में घोल के रखा हुआ है। इसको करना क्या है, आपने जो इस तरह की मस्टर्ड केक है, ये देखिए, इस तरह की मस्टर्ड केक को आपने 200 से 300 ग्राम ले लेनी है और 3 लीटर पानी में आपने इसको भिगो देना है। और भिगोने के बाद इसका जो प्रोसेस रहता है वो 2 से 3 दिन का रहता है। 2 से 3 दिन इसको आपने भिगो के रखना है और साथ ही साथ डेली एक काम और करते रहना है, आपने इस तरह इसको हिलाते रहना है। सुबह और शाम आप इसको हिला लीजिए, इसमें अच्छी तरह से जो बैक्टीरिया है उसका कल्चर हो जाएगा। और फर्मेंट होने के बाद इसमें जो बैक्टीरिया डेवलप होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। प्लांट्स हमारे चाहे वो वेजिटेबल्स के हों, चाहे वो फूलों के हों, चाहे वो परमानेंट प्लांट्स हों, आप इसको सभी में दे सकते हैं, इसका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं रहता है। बस थोड़ा सा टेम्परेचर इसका गर्म रहता है तो इसको आप सर्दियों में एक मात्रा दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों में मात्रा को हल्की करना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से फर्मेंट हो चुका है और इसमें जो बैक्टीरिया है वो अच्छी तरह से आ गए हैं। जैसे अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सर्दियों में आप इसको कम से कम 2 से 3 दिन, और अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है आपके आसपास तो आप इसको 6 से 7 दिन भी रख सकते हैं। अब ये बात हो गई इसको बनाने की, 300 ग्राम के आसपास अपने मस्टर्ड की केक ली और इसको 3 लीटर पानी में घोल दिया। 3-4 दिन का प्रोसेस करने के बाद इस तरह से कुछ आपका ये जो घोल है बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये घोल बनकर तैयार हो गया, इसमें हल्की हल्की सी बदबू भी आने लगती है जब 3-4 दिन का टाइम हो जाता है, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। अब ये पूरा घोल बनकर हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो लगभग रेडी है। अब आपने इसमें करना क्या है, इसको 1 लीटर आपने इस तरह से, आपने 1 लीटर इसमें से जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है वो 1 लीटर ले लेना है, नाप लेना है। कोई भी आपके पास खाली डब्बा हो, या जिस तरह से मैंने ये प्लास्टिक पेंट का डब्बा लिया है,
इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं एक लीटर को, और 10 लीटर पानी में आपने इस तरह से इसको घोल लेना है। ये मेरी बाल्टी है, आप देख भी रहे होंगे 10 लीटर की है, और 10 लीटर में मैंने इसने एक लीटर घोल दिया है, और घोलने के बाद अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिक्स करने के बाद आपका जो फर्टिलाइज़र है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और ये आप देख भी रहे होंगे इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, मतलब ये लगभग दूधिया कलर हल्का सा इसका बन गया है। तो ये अब तैयार है बिल्कुल पौधे में डालने के लिए। आप चाहे तो अपने वेजिटेबल गार्डन में डालिए, चाहे कोई फूलों के जो पौधे हैं आपके उनमें भी डाल सकते हैं। तो आइए डालते हैं हम अपने पौधों में, और आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने डालना है। ऐसे आप बर्तन में इसको ले लीजिए कोई भी, और आपके जो गार्डन के पौधे हैं, जैसे मेरा ये ब्रोकली का पौधा आप देख रहे हैं, इसमें आप लगभग आधे लीटर के आसपास डाल सकते हैं। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपके जो पौधे हैं उनकी जो मिट्टी है वो गीली ना रहे हर समय, क्योंकि सर्दियाँ हैं अब, और सर्दियों में फंगस वगैरह ज़्यादा लग जाती है, तो उसका ध्यान आपने ज़रूर रखना है। तो ये मेरे मूली के हैं, मूली में भी आप डाल सकते हैं। बाकी आपके पास जितने भी जो भी प्लांट हो आप उनमें डाल लीजिएगा। जैसे मेरा ये रोजमेरी का आप प्लांट देख रहे हैं, इस तरह से भी आप डाल सकते हैं। आपके पास फ्लावरिंग के प्लांट हैं उनमें भी आप डाल सकते हैं। आपके परमानेंट प्लांट हैं उनमें भी आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इसी तरह से आपके गार्डन में जितने भी, जैसे ये वेजिटेबल्स हैं मेरी, मटर आप देख रहे हैं, इसमें भी आप डाल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी अगर हो जाता है, कम ज़्यादा डल जाता है, मतलब हल्का थोड़ा बहुत ज़्यादा डल जाता है, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं रहता है। तो एक चीज़ तो ये भी है, दूसरी चीज़ ये है इसको जो हम डालेंगे वो कितने कितने दिन बाद में डालेंगे। इसको आप 10 से 15 दिन के आसपास में डाल सकते हैं। जैसे आज आपने डाला, उसके बाद नॉर्मली सर्दियों में 8-10 दिन में मिट्टी सूखती है, उसके बाद आप इसको डाल लीजिए, 10 दिन में डाल लीजिए, 15 में डाल लीजिए, बहुत ज़्यादा इसका नुकसान नहीं रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था बस, और मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में आपसे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।